तो मध्य प्रदेश इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर है, और मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री यहां पर बनने जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, और वो चौथी बार शपथ लेने जा रहे हैं। इसके अलावा उपचुनाव के लिए भी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, और वो कौन सी 24 सीटें जिन पर उपचुनाव होंगे, कौन कौन सी सीटें खाली हैं, इन पर काफी महत्वपूर्ण मुकाबला होने वाला है। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि ये सरकार सिर्फ 3 महीने की ही सरकार होगी, 3 महीने के अंदर जो उपचुनाव होंगे उनमें उसकी वापसी हो जाएगी। तो आखिरकार यहाँ पर केंद्रीय जो यहाँ पर मंत्रिमंडल है उनने यहाँ पर बड़ा फैसला लिया है, और शिवराज सिंह चौहान को ही यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है। तो एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है, लेकिन इसके चलते ही आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नरेंद्र सिंह तोमर थे उन पर यहाँ पर सहमति बनने वाली थी, लेकिन अब शिवराज सिंह आखिरकार जो बड़े कैंडिडेट माने जा रहे थे उन पर ही यहाँ पर सहमति बने हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी बड़ा यहाँ पर ऐलान हुआ है, वो कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा उपचुनाव, और यहाँ पर बड़ा यहाँ पर दाव खेल रही है कांग्रेस सरकार, और कांग्रेस अब कहीं ना कहीं जो उपचुनाव होने वाले हैं उनमें उनकी वापसी लगभग तय मानी जा रही है, कांग्रेस का ऐसा दावा माना जा रहा है। इसके अलावा उन्हें अगर बात करें तो पूर्व मंत्रिमंडल ने यहाँ पर कहा है कि अब यहाँ पर जो है कमलनाथ की अगुवाई में ही यहाँ पर उपचुनाव लड़ा जाएगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार जो है 24 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, तो सबसे बड़ा उपचुनाव होने वाला है, और कहीं ना कहीं उपचुनाव नहीं बल्कि ये तो फाइनल मुकाबला की तरह होगा, क्योंकि अगर जो भी यहाँ पर जीतता है सरकार उसकी बनने वाली है, ऐसा यहाँ पर है। 22 कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया, इसके बाद ये सरकार अल्पमत में आई और सरकार आखिरकार कमलनाथ सरकार ने इस्तीफा दिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं उपचुनाव की अभी से ही तैयारियां दोनों पार्टियां यहाँ पर करने लगी हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो 22 जो विधायक हैं उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही बीजेपी और कह सकते कांग्रेस जो कैंडिडेट हैं उनमें कुछ टकराव भी देखने को मिल सकता है। कांग्रेस टिकट ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक हैं, उनको टिकट मिलना ही तय है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की भी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो बागी हो सकते हैं। तो एक तरफ जो है पूर्व सीएम यानी कमलनाथ और यहाँ पर दिग्विजय सिंह, दो बड़े यहाँ पर नेता, तो दूसरी तरफ भी अब दो बड़े दिग्गज हो चुके हैं, जिनमें अगर बात करें तो अब सीएम बन चुके हैं शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, दो यहाँ पर बड़े कैंडिडेट, यानी मुकाबला अब कहीं ना कहीं बढ़ गया है, ऐसी खबर भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। इसके अलावा आप क्या कहना होगा कि जो बड़ी खबर है, इसके अलावा अगर आपको 24 सीटों के आंकड़े दिखाए, 24 सीटों पर कब क्या होने वाला है उसके भी आंकड़े आपको दिखा दें। देखिए अगर बात करें तो 22 विधायकों की इस्तीफे से रिक्त विधानसभा की कुल 24 सीटें, क्योंकि 2 सीटें पहले खाली हो चुकी थी और 22 विधायकों का इस्तीफा यहाँ पर मंजूर किया गया है। तो जून में यहाँ पर चुनाव होने की उम्मीद यहाँ पर बताई जा रही, क्योंकि जनवरी में जो है 2 जो विधायक थे उनके निधन हुए थे, ऐसे में 6 महीने के अंदर यहाँ पर उपचुनाव होते हैं, तो जून में जो है 6 महीने पूरे होने वाले हैं। तो इससे पहले अगर बात करें तो आप 24 सीटों पर ही जून तक जो है यहाँ पर उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। हालांकि यहाँ पर अधिकारियों ने और कार्यालय में जो है यहाँ पर जानकारी मांगी गई है, और जो मतदान केंद्र है उनकी परीक्षण भी कराए जा रहे हैं, तो तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है, और बीजेपी और कांग्रेस जो अब नेता है कहीं ना कहीं उन 24 सीटें जो खाली हुई हैं उन पर अपना पूरा दबाव यहां पर और पूरा अपना जोर दिखाएंगे। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर पर यहां पर उम्मीद जताई जा रही थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और कहीं ना कहीं वो उस क्षेत्र से आते हैं जो कि 24 सीटें खाली हुई हैं, अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते तो ये जो 24 सीटें खाली होने वाली हैं उन पर जो है एक तरफा बीजेपी को जीत मिलती, लेकिन अब जो है यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प हो चुका है, किसी भी तरफ ये मुकाबला जा सकता है। और अगर बात करें तो कौन कौन सी सीटें खाली हो रही है, देखिए यहाँ पर जौरा आगर, अगर बात करें तो ग्वालियर डबरा, क्या बार बमोरी सुरखी सांची, यहाँ पर साबिर सुमामली मुरैना, यहाँ पर दिमनी अम्बाय महगाम गोवंत ग्वालियर और भांडेर, इसके अलावा कनेरा पोहरी अशोकनगर, यहाँ पर मुगावली अनूपपुर और यहाँ पर हाट पिपलिया, यहाँ पर बंदनाबर और सुभासरा, ये वो 24 सीटें हैं जहाँ पर उपचुनाव होंगे। अगर आप जानते हैं कि उपचुनाव के लिए जो है ओपिनियन पोल तैयार किए जाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक एक सीट और एक एक जो है आपको कैंडिडेट के हिसाब से जानकारी देंगे कि किस सीट पर किसका पलड़ा यहाँ पर भारी होने वाला है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए कि आने वाले चुनाव के लिए क्या कुछ समीकरण बन सकते हैं और किस सीट पर कौन जीतेगा। जून में जो है उपचुनाव होने वाले हैं, और 24 सीटों पर अगर उपचुनाव होते हैं, और अगर कांग्रेस का जो है पहले भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी इन 22 सीटों के लिए, अगर वो जीत जाती है तो फिर यहाँ पर बीजेपी सरकार एक बार फिर से गिर जाएगी, ऐसी भी यहाँ पर खबरें चल रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर बीजेपी से जो कैंडिडेट अब चुनावी मैदान में होंगे कांग्रेस के, उन्हें जनता यहाँ पर पसंद करती है, उन्हें चुनाव में जिताती है, तो फिर यहाँ पर बीजेपी
अब आने वाले समय में यहाँ पर शासन करेगी। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए कि जो उपचुनाव होने वाले हैं 24 सीटों के लिए, किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं और किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।